नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती। मैं उद्यान विज्ञान की तीसरी फसल पपीता लेकर आया हूँ। इससे पहले आम व बेर, दो हमने उद्यान विज्ञान की फसलें की है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, पपीता का अन्य नाम होता है वंडर फ्रूट ऑफ ट्रॉपिक्स या सब ट्रॉपिक्स। इसे मेलन ट्री भी कहा जाता है, बैकयार्ड फ्रूट भी कहा जाता है एंड ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है केरिका पपाया। कुल होता है केरिकेसी। उत्पत्ति होती है उष्ण अमेरिका या मेक्सिको। 2N बराबर होते हैं 18। इसका फल का प्रकार सर्स या बेरी होता है। खाने योग्य भाग मीजोकार्प या मध्य फल भीति होती है। पुष्प क्रम इसका सोलेटियरी साइमोस होता है। उसके बाद में पपीता में एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम है वो पेपेन में पाया जाता है, और एंजाइम जितने भी होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। इस पेप्सिन एंजाइम में 72% तक प्रोटीन पाई जाती है। पपीते का पीला रंग होता है वो केरिका जैंथिन के कारण होता है, और पपीता के कच्चे फलों से एक दूध प्राप्त होता है जिसे पेपेन कहते हैं। उदर रोगों में ये लाभदायक होता है। पपीता के 1 ग्राम बीजों में 20 बीज होते हैं, और इसका टेस्ट वेट होता है वो 50 ग्राम होता है। पपीता में विटामिन ए है वो 2020 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम पाई जाती है। वहीं पर आम में 4800 इंटरनेशनल पर यूनिट 100 ग्राम पाई जाती है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। पपीता का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। भारत है वो पपीता का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। परागण है वो इसमें परपरागण होता है, हवा और कीटों के द्वारा इसमें परपरागण होता है। पपीता एकलिंगी पौधा होता है, यानी नर व मादा अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। दिवस निष्प्रभावी पौधा होता है, DNP होता है। प्रकाश का इस पर कुछ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें नर मादा का अनुपात है वो 1:10 रखा जाता है। पपीता होता है वो पाले व जल भराव के प्रति अति संवेदनशील होता है। अब जलवायु की बात करें तो जलवायु इसे उष्ण चाहिए। उष्ण जलवायु कैसी होगी, वहाँ पर गर्मी होगी और नम जलवायु होगी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी। पपीता को अधिक आर्द्रता की जरूरत होती है और तापमान 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड सह सकता है। इसके उचित वृद्धि व विकास के लिए pH चाहिए 6.5 से 7.5। दोमट मृदा होनी चाहिए। अधिक अम्लीय व क्षारीय मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। किस्में देखिए, पहली किस्में होती है गाइनोडाइसिस किस्में, जिसमें मादा और उभयलिंगी प्रकार के फूल आते हैं। इन किस्मों में नर पौधों की आवश्यकता अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती है। पहली किस्म देखिए पूसा डेलिशियस, इसका रंग होता है नारंगी। पूसा मेजेस्टी सर्वाधिक पेपेन उत्पादन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सूत्रकर्मी प्रतिरोधी किस्म होती है। कुरुग हनीड्यू राजस्थान हेतु उपयुक्त होती है। ताइवान का रंग होता है वो एक जैसा लाल रंग होता है सारी किस्म का। सूर्या गुलाबी रंग की किस्म होती है, और एक सनराइज सोलो भी किस्म होती है। 6 नंबर होता है CO3। अब इस किस्मों को याद कैसे रखना है, DMCTSS, पूसा डेलिशियस, मेजेस्टी, कुरुग हनीड्यू, ताइवान, सनराइज सोलो एंड सूर्या, साथ में CO3। इनमें से सीधा क्वेश्चन पुट आउट होता है। आगे देखिए डायोसिस किस्में एकलिंगी होती है। इनमें नर और मादा अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं। पहली किस्म है पूसा ज्वाइंट, जो पेठा बनाने व डिब्बाबंदी में काम में ली जाती है। पूसा ड्वार्फ होती है, गामा किरणों द्वारा विकसित होती है। उसके बाद में होती है 3 नंबर पूसा नन्ना। पूसा नन्ना होती है बोनी किस्म होती है, उत्परिवर्तित किस्म होती है, और ग्रह वाटिका में इसका प्रयोग किया जाता है। अंतरण है वो 1.25 x 1.25 मीटर का रखा जाता है। 6,000 पौधे 1 हेक्टेयर में इसके लगा सकते हैं। पंजाब स्वीट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा विकसित है, और ये पाला प्रतिरोधी किस्म होती है। वाशिंगटन दक्षिण भारत की किस्म है। इसमें बीज बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। CO5 है वो पेपेन उत्पादन है तो सबसे उपयुक्त किस्म है। अगर बात करें सर्वाधिक पेपेन उत्पादन की तो CO5 से प्राप्त होता है, उसके बाद में पूसा मेजेस्टी से प्राप्त होता है। इसमें CO5 से 15 ग्राम प्रति फल अपने पेपेन प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य किस्में पंत, सी फर्स्ट, बेटी, हथरस गोल्ड, पिंक, फ्लेसवीट, CO2, 3, 4, 6 एंड CO7 एक किस्म और होती है जो 3 वे क्रॉस है। CO3 और पूसा डेलिशियस का क्रॉस करवाया गया कुरुग हनीड्यू से तो CO7 बनी, और यह गाइनोडाइसियस वेराइटी होती है। उसके बाद में इसका प्रवर्धन है वो बीज के द्वारा होता है। गाइनोडाइसियस वेराइटी के लिए बीज दर 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, और डायोसिस के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। इसका आधुनिक तरीके से उत्तक संवर्धन के द्वारा भी प्रवर्धन किया जाता है।
आगे अगर पौधरोपण की बात करें तो नर्सरी अप्रैल मई में इसकी तैयार की जाती है और 2 माह में इसकी नर्सरी है वो तैयार हो जाती है। यह अपवाद स्वरूप होता है क्योंकि फल वृक्षों में 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है, परंतु पपीता की नर्सरी है वो 2 माह में ही तैयार हो जाती है। समय रहता है जुलाई अगस्त का। अंतरण इसमें 2x2 रखा जाता है। गड्ढे का आकार होता है वो 50x50x50 घन सेंटीमीटर रखा जाता है। खाद व उर्वरक की बात करें तो FIM 25 से 30 किलोग्राम प्रति प्लांट रखा जाता है और NPK 100, 400, 150 रखा जाता है। 100, 400, 150 ग्राम प्रति पौधा प्रति ईयर इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सिंचाई गर्मी में 7 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए और सर्दी में 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई जरूरत होती है। आगे देखिए, पपीते में लिंग समस्या होती है। नर व मादा अलग अलग पर पाए जाते हैं। फल है वो मादा और उभय लिंगी फूलों से बनते हैं। नर मादा का अनुपात 1:10 रखा जाता है। उपज व भंडारण की बात करें तो 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधे से अपने को फल प्राप्त हो जाते हैं या 20 से 30 फल प्राप्त हो जाते हैं। अगर 100 ग्राम पेपेन एक पौधे से अपने को प्राप्त हो जाता है। अगर भंडारण करना है तो 13 से 14 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3 सप्ताह तक भंडारित अपने कर सकते हैं। आगे देखिए, पेपेन उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। कच्चे फलों पर 0.3 सेंटीमीटर का गहरा काट लगाया जाता है और 3 से 4 दिन के अंतराल पर लगाया जाता है और 4 से 5 बार काट लगाकर अपने पेपेन उत्पादन कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में 1500 से 1600 किलोग्राम पेपेन अपने को प्राप्त हो जाता है। आगे अपने कीट व व्याधियों की अगर बात करें तो कीट है वो सफ़ेद मक्खी रहता है मैन बेमेस या टेबेसाई लीफ करल रोग का वाहक है। उसके बाद में हरा तेला रहता है यह रिंग स्पॉट रोग का वाहक होता है। उसके बाद में मूलगांठ सूत्रकृमि होता है जो पपीता की जड़ों में गांठे बना देता है और उसकी वृद्धि को अवरोध कर देता है। इसकी प्रतिरोधी किस्म होती है पूसा मेजेस्टी। उसके बाद में अगर रोग की बात करें तो प्रमुख रोग होता है आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ पपीते का मुख्य रोग है। नर्सरी का भयंकर रोग होता है और कवक होता है उसको रोगजनक पीथियम स्पीसीज पीथियम एफेंडरमेटम के द्वारा फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए अपने 25% फॉर्मेल्डिहाइड से मृदा का ट्रीटमेंट कर देते हैं या अर्थिक अप कर दी जाती है या वाटर ड्रेनेज अपने करके इसका बचाव कर सकते हैं। उसके बाद में तना विगलन रोग होता है, उचित जल निकास के द्वारा इसे बचाया जा सकता है। बरसात के समय इसका अधिक प्रकोप रहता है और 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे या बोर्ड मिश्रण का लेप किया जाता है। अगर रिंग स्पॉट होता है इसका वाहक एफिड होता है। लीफ करल पर्ण कुंचन मोजेक रोग होता है वायरस के द्वारा होता है और इसका वाहक सफ़ेद मक्खी होती है। आगे एंथ्रेक्नोज रोग होता है जिसे श्याम वरण भी कहते हैं। ये रोग होता है वो मुख्यतः भंडारण का प्रमुख रोग होता है। पपीते में जो फूल हैं वो मई जून में आते हैं और इसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पपीता सबसे जल्दी फल देने वाला पौधा होता है। उसके बाद में पपीता सबसे अच्छा पूरक पौधा होता है, यानी एडिशनल इनकम। जब तक अपना पूर्ण रूप से बाग विकसित होता है तो एडिशनल इनकम के रूप में सबसे अच्छा पौधा माना जाता है। इसकी विषाणुरोधी प्रजातियां होती है कैरिका कोलीफ्लोरा और कैरिका कैडामार्सिस जो पहाड़ी पपीता होता है। केले के बाद सर्वाधिक उत्पादकता है वो पपीता की रहती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है अपने को वो सबसे ज़्यादा पपीता की रहती है। पपीता के बीज पर जो जेली होती है वो जिलेटेनियम सार्कोटेस्टा के द्वारा बनी होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। पपीता के बीज पर जो जेली होती है वो जिलेटेनियम सार्कोटेस्टा के द्वारा बनी हुई होती है। ट्रांसजेनिक वैरायटी इसकी पपाया की है सनप और रेनबो, दोनों तो ट्रांसजेनिक वैरायटी है जिनको प्रोटीन कोटेड सीड बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है, सब्जेक्ट मैटर आपको कैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।